अब साइक्लिक ईथर्स की नेमिंग की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट होगा हमारे पास, यदि मेरे पास सिर्फ दो ही कार्बन है और हमने इसको एक ओ से जोड़ दिया तो ये साइक्लिक ईथर हो गया। इसके कौन कौन से नाम है आपको पता है? इसके इतने सारे नाम है, इसको ऑक्सीरेन भी बोलते हैं, इसको ईपॉक्सी इथेन भी बोलते हैं। ऐसे साइक्लिक ईथर जब एक ऑक्सीजन दो कार्बन को अटैच करेगा ना, तब हम उसको वर्ड यूज करेंगे ईपॉक्सी। उसके बाद इसको हम इथाइलीन ऑक्साइड भी बोलते हैं। ये ईपॉक्सी इथेन भी है, ये ऑक्सीरेन भी है, ये इथाइलीन ऑक्साइड भी है। उसी तरह यदि मेरे पास है CH2, मतलब मैं बात कर रही हूं इसकी, तीन कार्बन और उसको मैंने ऑक्सीजन से जोड़ दिया, इसकी बात हो रही है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? 1.3 इपॉक्सी, 1.3 इपॉक्सी प्रोपेन, या फिर इसका एक और नाम है ऑक्सीटेन, है ना। तो इसका एक और वेरिएशन क्या हो सकता था? ये भी तो हो सकता था, ये भी हो सकता था। इसको हम क्या कह सकते थे? 1.2 इपॉक्सी प्रोपेन। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, अपन फोर कार्बन ले लेते हैं, ये ले लिया तो इसको क्या बोलोगे आप? 1.2 इपॉक्सी ब्यूटेन। यदि आपने इसी का ये ले लेते तो क्या बोलते? 1.3 इपॉक्सी ब्यूटेन। और यदि आपने इसी का ले लिया होता ये, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये, तो ये क्या हो जाता? 1.4 इपॉक्सी ब्यूटेन, या फिर इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रो फ्यूरन। ओके, तो ये सारे केसेस हो गए जहां पे हम साइक्लिक ईथर की बात करें। एक एग्जाम्पल मेरे को और देने का मन हो रहा है, वो है सेवेंथ एग्जाम्पल। यदि ऐसा कुछ दिया हो, ये साइक्लिक ईथर है, यहां पे ओ लगा हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसकी नेमिंग कैसे होगी? इसकी नेमिंग होगी 1.2 इपॉक्सी 3 मिथाइल और फिर साइक्लो हेक्सेन। याद आ रहा है? इस तरह हम साइक्लिक ईथर्स की नेमिंग करते हैं। हमें प्रैक्टिस करनी है, थोड़े दिन हो गए हमें नॉमनक्लेचर किए हुए, हम भूल से गए हैं, तो हम नॉमनक्लेचर और आइसोमेरिज्म को मिला के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो हम इस तरह साइक्लिक ईथर्स की नेमिंग करते हैं। कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं, जैसे इसका नाम ऑक्सीरेन है, या इसका नाम ऑक्सीटेन है, या इसका नाम टेट्राहाइड्रोफ्यूरन है, ये कुछ स्पेशल नेम्स है जो आपको याद रखने हैं। अदरवाइज एक सिंपल रूल हम फॉलो कर रहे हैं, 1.2 इपॉक्सी इथेन है, या 1.3 है, या 1.4 है, जिन कार्बन को चेन के, जिन कार्बन को ऑक्सीजन जोड़ता है, हम उन कार्बन के नंबर्स लिख के वहां पे इपॉक्सी लिख देते हैं। आप देख रहे होंगे 1.3 इपॉक्सी, 1.2 इपॉक्सी, 1.2 इपॉक्सी, 1.3 इपॉक्सी, 1.4 इपॉक्सी, इपॉक्सी मतलब हमने ओ ले लिया, और फिर हमने पेरेंट कार्बन में जितने, पेरेंट चेन में जितने भी कार्बन है उसका हमने एल्केन लिख दिया होता है। तो ये कॉमन नेम हो गए। अब एक और क्वेश्चन कराती हूं मैं आपसे, जिसमें मुझे कॉमन नेम एल्डिहाइड या कीटोन्स के चाहिए। जैसे यदि मेरे पास फर्स्ट कंपाउंड ये है CH3
CHO, या फिर मैं next ले सकती हूँ, मेरे पास है CH3, CH, यहाँ पे CL लगा देती हूँ. फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं CH3 ले लूँ, CH ले लूँ, यहाँ पे CH3 लगा दूँ. हम ऐसे भी कर सकते हैं. यहाँ पे OH लगा दूँ. और यदि हमें कुछ और वैरायटी, कुछ और वेरिएशन भी देना है, तो हम ये भी तो ले सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO. हम ले सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CHO. हम ले सकते हैं C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO. और हमें इनकी कॉमन नेमिंग सीखनी है. हमें IUPAC नेमिंग याद है, कॉमन नेमिंग हम सीख चुके हैं, पर एक बार प्रैक्टिस के लिए हम फिर से करना चाहते हैं कि इनकी कॉमन नेमिंग कैसे होगी. अब यहाँ पे आप देखो, इसको हम क्या नेम करेंगे. यदि फर्स्ट कंपाउंड की बात करें तो हम इसको क्या नेम कर सकते हैं, आप बताओगे. ये तो आप सबको पता है, दो कार्बन है तो इससे इसको हम क्या बोलते हैं, याद करो, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड. ये एसिटल्डिहाइड है. अब इसकी नेमिंग जब होगी तो ये जो कार्बन है ये कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन. ये अल्फा कार्बन कहलाता है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, अल्फा क्लोरोप्रोपियोनल्डिहाइड. ये अल्फा, ये बीटा. जो भी फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाला कार्बन होता है वो कॉमन नेमिंग में अल्फा कार्बन कहलाता है, जो भी फंक्शनल ग्रुप का पड़ोसी कार्बन है. तो हमारा फंक्शनल ग्रुप CHO है, इसलिए इसको हमने अल्फा बोला. तो इसका नाम क्या हो गया, अल्फा क्लोरो, तीन कार्बन है इसलिए प्रोपियोनल्डिहाइड. इसका नाम क्या होगा, इसमें चार कार्बन है, और आपको पता है कि कॉमन नेम में सारे कार्बन गिन लेते हैं अपन, तो चार कार्बन है, उसमें एक ब्रांच भी है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटिरल्डिहाइड. चार कार्बन है इसे ब्यूटिरल्डिहाइड, आइसो इसलिए क्योंकि एक कार्बन जो है ब्रांच के फॉर्म में है. इसको यदि देखेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी. और पांच कार्बन है तो वैलरल्डिहाइड बोलते हैं. दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी वैलरल्डिहाइड. वैलरल्डिहाइड मतलब पांच कार्बन है उसमें. इसका नाम है कॉमन नेम एक्रोलिन, याद आ गया होगा आपको. इसका नाम है क्रोटोनल्डिहाइड और इसका नाम है सिनामल्डिहाइड. सिनामल्डिहाइड. तो ये आप देख रहे हो, ये कुछ कॉमन नेम्स हैं, हमने किए हुए हैं, पर हम उनको फिर से प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि आप भूल नहीं गए हो. तो ये एसिटल्डिहाइड है, और हमेशा याद रखो फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं. इसे ये अल्फा क्लोरो प्रोपियोनल्डिहाइड, दिस इज फोर कार्बन, उन सबको एक साथ गिन लिया इसलिए आइसो ब्यूटिरल्डिहाइड. यहाँ पे पांच कार्बन है और उसके थर्ड कार्बन पे, बीटा कार्बन पे OH है, इससे हमने इसको बोला बीटा हाइड्रोक्सी वैलरल्डिहाइड. दिस इज एक्रोलिन, दिस इज क्रोटोनल्डिहाइड एंड दिस इज सिनामल्डिहाइड. तो आपकी वापस से एक बार प्रैक्टिस हो गई. आप यदि भूल गए हो तो आप देखो और फिर से एक बार याद करने की कोशिश करो, अपनी नोटबुक में फिर से लिख लो. जितनी बार लिखते हैं उतना अपने को ज्यादा याद होता है. हमें बार बार रिपीटेडली करना पड़ता है, हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना रिटेंशन ज्यादा होगा. तो आप एक बार ये सारी चीजें देख लो. ये साइक्लिक ईथर की नेमिंग इस तरह करते हैं और एल्डिहाइड्स के कॉमन नेम्स इस तरह लिखे जाते हैं. अब कुछ और कंपाउंड्स की कॉमन नेमिंग करते हैं. सब कॉमन नेम्स की एक बार प्रैक्टिस करवा दे रही हूं मैं आपको, आप भूल नहीं गए हो, इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन. चलो अब यहां पे है मेरे पास, इसके मैं पार्ट्स बता रही हूं. पहला है मेरे पास CH3 सी डबल बॉन्ड O, फिर CH और उस पर दो मिथाइल लगे हुए हैं, और इनकी मुझे तो कॉमन नेमिंग ही करानी है.
अब कॉमन नेमिंग में हमको दिख रहा है ये आर अलग है, ये आर अलग है, तो इसका क्या नाम कर देंगे हम, ये मिथाइल हो गया, उसके बाद वाला है आइसो प्रोपाइल और फिर कीटो। ये एक तरीका होता है इनकी नेमिंग का, ये मिथाइल, ये आइसोप्रोपाइल, आपको दिख रहा है ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है कि मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। दूसरा एग्जांपल यदि मैं लूं आपसे तो ये होगा मेरे पास सीएल है, दो दो एक सीएच पे लगे हुए सी डबल बॉन्ड ओ और ये है सीएच थ्री। अब इसका यदि कॉमन नेम करना है तो इसके कॉमन नेमिंग का तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको एसीटोन का डेरिवेटिव ले लूं और इस फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन को अपन अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं अल्फा अल्फा डाइक्लोरो और फिर पेरेंट था एसीटोन, एसीटोन इज प्रोपेनॉन, ये जो है ये प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन के दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए क्लोरीन से, इसलिए इसका नाम है अल्फा अल्फा डाइक्लोरो एसीटोन। इसी का एक वेरिएशन अपन यदि ये ले लें कि क्लोरीन की जगह बदल दें, ये हम कर दे CH2Cl, इसको कर दे C डबल बॉन्ड O और इसको कर दे CH2Cl। तो अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, अब एक को अल्फा बोलेंगे और एक को अल्फा डैश या अल्फा प्राइम बोलेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा, मान लो इसको आपने अल्फा बोला इसको अल्फा प्राइम बोला, तो ये हो गया अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो एसीटोन। एसीटोन को यहां पे ऐसे पेरेंट कंपाउंड ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि हम सिर्फ इनके कॉमन नेमिंग की बात कर रहे हैं। अब यदि मेरे पास फोर्थ ऑप्शन जो है वो ये है, ये एक मेरे पास और क्वेश्चन है जिसकी कॉमन नेमिंग करनी है, और वैसे ही मेरे पास एक और है यदि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 फिर, तो इनकी नेमिंग हम कैसे करेंगे। अब ये आपको दिख रहा है ये तो कीटोन ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप्स के नाम आपको ध्यान में आ रहे हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले करे थे ना CH डबल बॉन्ड CH2, यस ये क्या है विनाइल, तो हम इनको क्या बोलेंगे डाई विनाइल और फिर क्या हो जाएगा कीटोन। ये एसीटोन का डेरिवेटिव नहीं, हमने इसको एक लिखा विनाइल, ये एक और विनाइल, तो डाई विनाइल हो गया, बचा क्या कीटोन। अब यदि यहां पे हम बात करें तो ये ग्रुप ले लिया अपन ने और एक ये ग्रुप ले लिया और नाम आपको दोनों ग्रुप के पता है, तो अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो पहला ग्रुप हो गया एलाइल, दूसरा हो गया इथाइल और फिर हमने इसको बोल दिया ये है कीटोन, एलाइल इथाइल कीटोन। यदि इसी तरह एक और कंपाउंड होता बेंजीन रिंग फिर सी एच टू फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 और फिर एक बेंजीन रिंग, तो इसको क्या करते हैं हम, इसको पूरे को एक ग्रुप ले लेते ये दोनों को और इस ग्रुप का नाम है बेंजाइल, तो हम इसको क्या लिख देते डाई बेंजाइल कीटोन, दिस इज डाई बेंजाइल कीटोन। जबकि यही यदि मैं ऐसे लिख देती C6H5COCH3, तो आपको याद है हम इसकी क्या नेमिंग करते, इसकी नेमिंग हम कर देते एसिटो फिनोन, और यदि इसकी जगह मेरे पास होता C6H5C डबल बॉन्ड O और फिर से C6H5, तो हम इसकी नेमिंग क्या कर देते, हम इसकी नेमिंग कर देते बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। तो आप समझ गए हैं, पहले भी समझाया हुआ है कि फिनोन वर्ड कब यूज होता है, जब बेंजीन पर सीओ होता है तो हम फिनोन वर्ड यूज करते हैं, इधर सी एच थ्री था तो एसिटोफिनोन, यहां पे सी सिक्स फाइव है तो बेंजोफिनोन। यदि यहां पे मेरे पास एक ऐसा केस भी होता सी सिक्स एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ फिर मैं लिख देती सी एच सी एल थ्री CHCl और फिर यहां हम कर देते CH3, तो यदि ये Cl नहीं होता तो ये होता प्रोपियोफिनोन, पर ये इस फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाले कार्बन पे है तो हम इसको बोलेंगे अल्फा
क्लोरो प्रोपियो फिनोन। आप इसको ध्यान से देख लो, हमने इसका नाम क्यों बोला है अल्फा क्लोरो प्रोपियो फिनोन, अल्फा क्लोरो प्रोपियो फिनोन। समझ में आ रही बात? तो इस तरह हम कॉमन नेमिंग करते हैं। आप इनको ध्यान से देखो कि कॉमन नेमिंग हम किस तरह करते हैं इन कंपाउंड्स की। ये एसिटोफिनोन प्रोपियोफिनोन फिनोन एक कॉमन वर्ड हो जाता है और फिर जहां जो सब्सिट्यूएंट लगा है वो आपको बताना पड़ता है। तो ये इस तरह हम इन कंपाउंड्स की कॉमन नेमिंग करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो मुझे कराना है वो चलो हम ये करते हैं। आपको मैं एक कंपाउंड देती हूँ, एक क्वेश्चन देती हूँ आपको कि मेरे पास आई हैव गॉट C5H12 has been converted into C5H11Cl. How many structures are possible? यदि हम इसकी बात करें तो what you need to write is how many structures are possible? आप try करेंगे how many structures are possible? तो अपन इसकी कोशिश करें कि हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। आप ट्राई करो फिर हम देखते हैं। मान लो अपन फर्स्ट केस लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसमें यहां क्लोरीन लगा सकते हैं। सेकेंड केस क्या ले सकते हैं अपन? यहां क्लोरीन लगा सकते हैं सेकेंड केस में। थर्ड केस क्या ले सकते हैं हम? यहां क्लोरीन लगा सकते हैं। ये हो गए अपने तीन। अब अपन चलते हैं इसके चेन आइसोमर पे, जहां पे कार्बन की चेन की अरेंजमेंट, चेन का अरेंजमेंट बदलेगा। तो 1, 2, 3, 4 और यहां पे हम एक लगा देते हैं कार्बन। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं? पहले मैं यहां पे सीएल लगा दूं, सेम स्केलेटन पे मैं यहां सीएल लगा दूं, सेम स्केलेटन पे मैं यहां सीएल लगा दूं और सेम स्केलेटन पे मैं फिर सीएल की पोजीशन यदि बदल देती हूं तो मेरे को ये चार स्ट्रक्चर मिलते हैं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब और हम चेंज करें, यदि 7 हो गए 8, अब यहां हम ऐसा करते हैं कि अब कार्बन की जो हमारे पास 5 कार्बन है उनको ऐसे ले लेते हैं। अब मैं यहां क्लोरीन लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, एक ही बात है। तो ओवरऑल मुझे इसके C5H11Cl के टोटल आइसोमर्स जो मुझे मिल रहे हैं वो हैं 8। यदि आप इनको ध्यान से देखो, हम कैसे करना चाहिए जब भी आप करो तो आप क्या किया करो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि जैसे जितनी चेन्स पॉसिबल है वो बना दो। स्ट्रेट चेन बना दी पहले, तो फिर एक कार्बन ले लिया, उसको ब्रांच जैसे ले लिया, उसकी ब्रांच की यदि पोजीशंस बदली जा सकती तो वो सारी ले ली। फिर हमने दो कार्बन ले लिए, उनको ब्रांचेस जैसे ट्रीट कर दिया और उनकी पोजीशंस बदल दी। और फिर हम क्लोरीन अलग अलग कार्बन पे लगाएंगे इस तरह कि उन सारे कंपाउंड्स के नाम अलग अलग होने चाहिए। इसका नाम 1-क्लोरोपेंटेन है, ये 2-क्लोरोपेंटेन है और ये 3-क्लोरोपेंटेन है। अब यहां पर नेमिंग करोगे तो ये कहलाएगा 1-क्लोरो-2-मिथाइल-ब्यूटेन। This will be 2-chloro-2-methyl-butane. This is 2-chloro-3-methyl-butane. This is 1-chloro-3-methyl-butane. सारे नाम अलग अलग हैं और इस कंपाउंड को यदि देखोगे तो ये है 2,2-dimethyl-1-chloro-propane. यदि अल्फाबेटिकली लिख देंगे तो हम लिखेंगे 1-chloro-2,2-dimethyl-propane. तो इस तरह हम इनके सारे आइसोमर्स लिख के उनकी नेमिंग कर सकते हैं। ओके तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हम पहले नॉमनक्लेचर पार्ट में कर चुके हैं, फिर आइसोमेरिज्म में किया। अब उनको क्लब करके देख लें कि हमें सारा याद हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद ही हम स्टीरियो आइसोमर्स पे जाएंगे जब ये दोनों चीजें अपनी क्लियर हो जाती हैं। व्हाट इज 1, 2, 3, 4, 5? ये आपस में हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म डू दे एग्जिबिट। अब आप फर्स्ट को देखो, फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये भी सेकेंडरी अमीन है, तो फर्क क्या है? यहां पे दो कार्बन इधर है, दो कार्बन इधर है, इधर एक कार्बन है, इधर तीन कार्बन है, इसलिए ये क्या है? ये आपस में मेटामर्स है।
ये आपस में मेटामर्स है। अब आप इसको देखो तो इस रिंग के आसपास सिर्फ कार्बन के नंबर्स का अरेंजमेंट अलग अलग है। यहां पे टू कार्बन है, यहां पे वन कार्बन और थ्री कार्बन है, इसलिए ये भी मेटामर्स हैं। यहां पे आप देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इनके दोनों तरफ आर ग्रुप्स अलग अलग लगे हुए हैं, एक ये चीज है। दूसरी बात आप देख रहे होंगे, वन टू थ्री ये थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहां पे सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए ये मेटामर के अलावा पोजीशन आइसोमर्स भी कहलाएंगे। दीज आर पोजीशन आइसोमर्स ऑल्सो एंड दे आर मेटामर्स ऑल्सो, क्योंकि हमें पता है मेटामर में किसी एक फंक्शनल ग्रुप के या मल्टीपल बॉन्ड के आसपास के कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। और आपको यह भी पता है कि कई बार मेटामर्स जो है वो पोजीशन आइसोमर्स भी हो सकते हैं। अब यहां पे आप देखो, यहां पे ये जो है इसके एक तरफ ये लगा हुआ है और एक तरफ ये ग्रुप लगा है, और इसी के इसके आसपास यहां पे ग्रुप्स का अरेंजमेंट अलग अलग है। आप देखो जरा, यहां पे CH3CHBr है, यहां पे CH3CHBr के साथ एक O है, मतलब ये वाला O यहां रिप्लेस हो गया है, इसलिए ये भी हमें एग्जाम्पल लगता है मेटामर का ही है, क्योंकि अलोंग दिस ये जो है पूरा स्ट्रक्चर, जो पूरा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और एटम्स जो है वो SO2 के दोनों साइड अलग अलग है, इसलिए हम इसको भी मेटामर बोलेंगे। यहां पे यदि आप देखो तो ये तो है स्ट्रेट चेन, फाइव कार्बन की स्ट्रेट चेन है। यहां पे यदि देखा जाए तो आपके पास में ये कार्बन की चेन बदल रही है, कार्बन की चेन बदल रही है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, ये है चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो आप समझो हम किस तरह पहचानने की कोशिश करते हैं, जो डेफिनेशंस, जो एग्जांपल्स हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के आपको पहले करा रखे हैं उसी के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं। अब एक क्वेश्चन और दिया मैंने आपको कि राइट ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C5H10O2। C5H10O2 दो ओ है, मतलब एस्टर है या एसिड है या हाइड्रोक्सी कीटोन या हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। यदि मैं एस्टर से शुरू करूं तो कितने बना सकती हूं, मेरे पास टोटल पांच कार्बन है। यदि एक अपन ऐसे लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, दो चले गए, अब बच रहे हैं तीन, तो C3H7 को हम ऐसे ले सकते हैं, यहां पे एक ले लिया और हमने ये यहां पे एक ले लिया, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास है, मैं CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O ले लूं, फिर CH2 ले लूं, फिर CH2 ले लूं, फिर CH3 ले लूं। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि मैं यहां पे ले लूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर CH2, फिर CH3, ऐसा हो गया। फिर एक और हम ले सकते हैं जहां पे मैं ले लूं, इधर एक ही ले लूं, H ले लूं, फिर यहां पे मैं C डबल बॉन्ड O ले लूं, यहां पे O लेके मैं C4H9 के पॉसिबिलिटीज देख लूं। इस तरह हम अलग अलग एस्टर्स बना सकते हैं। आप देख रहे हो टोटल फाइव कार्बन है, एक बीच में है तो बचे चार, तो 1+3, ये भी 1+3, ये 2+2, ये 1+4, ये पॉसिबिलिटीज मुझे मिल जाएंगे एस्टर्स में। उसके बाद यदि मैं एसिड्स की पॉसिबिलिटीज देखने की कोशिश करूंगी तो मेरे पास है CH3 CH2 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 COOH, ये हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं चेन में चेंज ले आऊं, ये हो गया 1 2 3 4 5, मैं चेन में यहां पे भी ला सकती थी CH3 CH2 CH CH3 COOH, या फिर हम एक और ऑप्शन ये ले सकते थे CH3 C CH3 CH3 COOH। इस तरह हमारे पास ये हो जाते हैं सारे पॉसिबल एसिड्स। अब यदि हम तीसरी कैटेगरी देखें, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और
कीटोन्स, ये भी पॉसिबल है. अब हाइड्रोक्सीएल्डिहाइड कीटोन में हम ऐसा कर सकते हैं, मान लो इसका फर्स्ट केस ले ले हम, CH3CH, यहाँ पे OH लगा दें, फिर CH2 लगा दें, फिर CH2 लगा दें और यहाँ पे CHO कर दें, तो ये भी हो गया 1 2 3 4 5. आप देख लो 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 5 6 3 9 और 1 10 O2. कीटोन करना चाहते हैं तो चलो CH3 कर लो, C डबल बॉन्ड O कर लो, फिर CH2 कर लो, फिर CH पे OH लगा दो और फिर CH3 कर लो. तो ये हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया या हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया. इस तरह हम वेरिएशन दे दे के C5H12O2 के ढेरों हम आइसोमर्स बना सकते हैं. अब आइसोमर्स और भी एग्जांपल्स अपन लेते हैं जिसमें कुछ और तरीके से भी यदि आइसोमर्स बनाने होंगे तो हम वो भी देख लेते हैं. तो पहले ये आप समझ लो कि हम क्या क्या वेरिएशन दे सकते हैं, जब आइसोमर्स बनाते हैं तो हम कौन कौन से वेरिएशंस दे सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिमाइजेज इन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग सम एसिड और बेस. याद आ रहा है कुछ, क्या सिखाया था आपको, कौन रेसिमाइज होगा. रेसिमाइज होना मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होना, और उसकी कंडीशन क्या थी, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा कंपाउंड होगा जो टॉटोमेरिज्म शो करेगा. और टॉटोमेरिज्म शो करने के साथ साथ एक और चीज थी कि कार्बोनिल कार्बन के पड़ोस वाला कार्बन अनसिमेट्रिक होना चाहिए, कायरल होना चाहिए और उस पर एक हाइड्रोजन भी होना चाहिए. कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप, उसके पड़ोस वाले कार्बन को कायरल होना चाहिए और उसमें कायरलिटी के जो चार ग्रुप्स होंगे उसमें से एक हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तभी वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा जहां पे रेसिमिक मिक्सचर बनेगा. और इनफैक्ट वो रेसिमिक मिक्सचर नहीं होता, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. इट इज बेसिकली गेटिंग एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड. तो इस वाले केस में देखो, ये कार्बोनिल कार्बन के पड़ोस वाले कार्बन पे सिमेट्री है, वहां पे असिमेट्रिक नेचर नहीं है, उस पे दो हाइड्रोजन लगे हैं, उसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा. इस वाले केस में सी डबल बॉन्ड ओ के पास वाले कार्बन पे दो क्लोरीन लगे हैं, इससे ये भी पॉसिबल नहीं है. इस वाले केस में टॉटोमेरिज्म होगा, पड़ोस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पे देखो चारों ग्रुप अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये भी अलग है. इसका मतलब ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है और ये इनॉल फॉर्म भी बनाएगा, इसलिए यही कंपाउंड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि इसका इनोलाइजेशन होगा, इनॉल फॉर्म बनेगा, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा जबकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है. ठीक है ना. अब इसमें कह रहे हैं ये कि आप इसमें डी पॉजिटिव डालोगे तो क्या बनेगा. अब डी पॉजिटिव यदि मैं डालूंगी यहां पे, तो यहां पे लोन पेयर है तो यहां पे डी एड हो जाएगा. डी मतलब ड्यूटेरियम आयन. तो ये बेंजीन, ये यहां पे रिंग है, ये यहां पे सी है, यहां पे ये ओ डी, ये डबल बॉन्ड है तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे ये सी एच थ्री है. और फिर फाइनली क्या होगा, जब ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, आप सबको पता है ना हम ऐसे करते हैं, ये ऐसे है तो ये इधर जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया हमारे पास में, जब हम फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा. ये बेंजीन रिंग है C6H5, फिर यहां पे COD और डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बन जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ये कि हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, 1 2 3 हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर. यदि आप 1 और 2 को देखो तो मुझे लगता है कि ये डबल बॉन्ड इधर आया, एच यहां चला गया, मतलब ये हो गई 1 3 हाइड्रोजन शिफ्ट. यहां पे देखो आप ध्यान से इन दोनों को कंपेयर करो, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, ये एच इधर गया है, ये डबल बॉन्ड इधर आया और ये एच इधर चला गया. वैसा ही यहां पे भी हुआ है, वैसा भी यहां पे हुआ है. इसलिए 1 और 2 क्या है, एक दूसरों के टॉटोमर्स हैं. 1 और 2 आर टॉटोमर्स. सो यू कैन राइट डाउन 1 और 2 आर, दे आर टॉटोमर्स. अब यदि आप इनको देखो, फर्स्ट और थर्ड को देखो, तो किसी भी एटम के अरेंजमेंट में चेंज नहीं आया है. जहां ऑक्सीजन था वहीं है, जहां नाइट्रोजन था वहीं है, जहां हाइड्रोजन था वहीं है, पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट में फर्क आया है.
वो डिफरेंस ये आया है कि मान लो यहाँ पे ये लोन पेयर था, तो ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हुआ है, तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। आप चेक करो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लोन पेयर गया है तो यहाँ पे आना चाहिए था डबल बॉन्ड और ये चला गया यहाँ पे। वैसे यहाँ का लोन पेयर इधर गया, ये यहाँ पे, और ये वाला लोन पेयर जो है वो इधर आया, तो ये यहाँ पे। तो यदि हम देखें तो फर्स्ट और थर्ड क्या है, वो एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट में चेंज हुआ है, बाकी एटम्स के अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं है, इससे फर्स्ट और थर्ड जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ इज इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटिल एसिटोन स्टेबलाइज्ड। एसिटिल एसिटोन, क्या आप फॉर्मूला बना सकोगे? एसिटिल एसिटिल ग्रुप क्या था, याद आ रहा आपको? एसिटिल CH3CO और एसिटोन तो आपको पता ही है, तो एसिटिल एसिटोन क्या चीज है? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये तो हो गया एसिटिल ग्रुप। अब मुझे लिखना है एसिटोन, और इसका यदि मैं इनॉल फॉर्म बनाऊंगी तो क्या बनेगा? CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। अब आपको साफ दिख रहा है इसके स्टेबिलिटी का कारण क्या है, एक तो रेजोनेंस है, एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसके कारण चिलेशन हो गया है, रिंग स्ट्रक्चर बन गया है। तो क्या बोलोगे आप? रेजोनेंस एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ रीजन फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ इनॉल फॉर्म एसिटिल एसिटोन। उसी तरह यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करूं कि आप मुझे इसका मोस्ट स्टेबल कीटो फॉर्म बना के दीजिए, मोस्ट स्टेबल कीटो फॉर्म बनाकर दीजिए। दे कैन बी नंबर ऑफ फॉर्म्स पॉसिबल, बट द मोस्ट स्टेबल कीटो फॉर्म इज दिस। हमने इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दिया, ये डबल बॉन्ड इधर चला गया, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, ये इसका मोस्ट स्टेबल कीटो फॉर्म है। नेक्स्ट हम एक और चीज कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि आप इसमें कौन कौन से टेस्ट लगा सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट ये देगा, इसका कीटो फॉर्म यदि मैं बनाऊंगी तो वो ऐसा बनेगा। ये इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन देता है, यहां डबल बॉन्ड है इसलिए ये ब्रोमीन वाटर के साथ भी टेस्ट देगा, पर यहां पे ये कीटो फॉर्म है, एल्डिहाइड नहीं है, ये कीटोन है, इसलिए ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देगा। टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये टेस्ट नहीं देगा क्योंकि कीटो फॉर्म है, ये एल्डिहाइड फॉर्म नहीं है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन दिया जा सकता है, C4H11N के आप प्राइमरी अमीन्स बनाइए, C4H11N, ये N है, इसके कितने प्राइमरी अमीन्स आप बना सकते हैं? प्राइमरी अमीन्स, आई होप यू रिमेंबर, प्राइमरी अमीन्स मतलब क्या? जिनके पास NH2 ग्रुप होना चाहिए। प्राइमरी अमीन कौन से होते हैं? जहां पे NH2 ग्रुप्स होते हैं। तो अभी यदि मेरे पास चार कार्बन है तो 1, 2, 3, 4 यहां पे NH2 लगा दिया, 1, 2, 3, 4 यहां पे NH2 लगा दिया। अब अपन चेंज कर लेते, 1, 2, 3 यहां पे करके यहां पे NH2 लगा दिया, और ऐसा भी कर सकते 1, 2, 3, 4 और यहां पे NH2 लगा दिया। तो इस प्रकार हमारे पास ये चार प्राइमरी अमीन बन सकते हैं, और इन चारों में सिर्फ चेन हमने अलग, जैसे ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे क्योंकि चेन सेम है और हमने NH2 की पोजीशन बदली है। ये दोनों भी आपस में पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे क्योंकि दोनों में चेन सेम है, हमने NH2 की पोजीशन बदली है, पर ये ग्रुप और ये ग्रुप आपस में कहलाएंगे चेन आइसोमर्स।
ये आपस में कहलाएंगे चेन आइसोमर्स, ये आपस में कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर्स और ये भी आपस में कहलाएंगे पोजीशन आइसोमर्स। इसी तरह यदि आपसे पूछा जाए कि क्या आप C7H8O के आइसोमर्स बना सकते हैं, अब C7 कार्बन के साथ हाइड्रोजन सिर्फ 8 है, इसका मतलब वहां पे बेंजीन रिंग तो होगी ही होगी। तो यदि मैं इसके आइसोमर्स बनाना शुरू करूं तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है, क्योंकि एक कार्बन एक्स्ट्रा है तो मैं CH3 ले लूं और यहां पे OH ले लूं, इसके तीनों फॉर्म बन जाएंगे ऑर्थो, मेटा और पैरा। अब क्या वेरिएशन और दिया जा सकता है, 1, 2, 3 तो ये हो गए, फोर्थ हो जाएगा मैं इसी पे CH2OH लगा दूं तो बेंजाइल अल्कोहल हो गया, और या फिर हम ऐसा करें कि हम ईथर बना सकते हैं, मैं यहां पे कार्बन करके यहां पे नहीं ओ कर देती हूं क्योंकि सी वाला पार्ट तो हो गया, ओ करके CH3 कर देती हूं, है ना। तो आपके पास में ये हो गया क्रेसोल, ऑर्थो मेटा पैरा क्रेसोल बन गया, ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया और ये है एनिसोल मिथॉक्सी बेंजीन। तो आप यहां ध्यान से देखो कि यदि मेरे पास C7H8O है और हमसे डिफरेंट आइसोमर्स बनाने को कहते हैं तो हम ये बना सकते हैं ऑर्थो मेटा पैरा बन गया, तो ये पोजीशन आइसोमर्स हो गए आपस में, ये आपके पास बेंजाइल अल्कोहल है और ये आपके पास में ईथर बन गया, ये ईथर कौन सा है, मिथॉक्सी बेंजीन या इसका नाम है एनिसोल। तो इन सारे एग्जाम्पल्स के बाद अब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म ले सकते हैं। हमने आज नॉमनक्लेचर और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की कुछ प्रैक्टिस कर ली, कुछ क्वेश्चंस तो हमने पढ़ते समय कर रहे थे, अब कुछ प्रैक्टिस हमने कर ली इनकी, अब हम स्टीरियो आइसोमर्स लेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और फिर हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशंस, ठीक है।